अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थाना क्षेत्र हसायन का एक प्रकरण है जिसमें गांव से ही सूचना प्राप्त हुई थी कि चार व्यक्तियों को वहां पर पब्लिक ने घेर के रखा हुआ है और उनके साथ कुछ मारपीट हो रही है। तो पुलिस जब मौके पर पहुंची है तो उनको चार लोगों को पुलिस लेकर जब थाने आई, इसमें जांच हुई तो मालूम चला कि वहां पर ये चार लोग कोई नर्सिंग बाल हैं जिनकी भैंस जो वहाँ बांध के गए थे, वो वहाँ से ये व्यक्ति उसको भैंस को अपनी गाड़ी पर लादते हुए देख करके उसने शोर मचाया था, जिसमें काफ़ी गांव वाले आगे इकट्ठा हो गए थे। और उनका कहना ये था, गांव वालों का आरोप था कि इन्होंने इसके पूर्व भी दो महीना पहले ही उस भैंसें उस क्षेत्र से चोरी गई हैं और ये लोगों का काम उस भैंस को जहर दे के मारना और उसके बाद उसको लाद करके चोरी करके ले जाना। इस संबंध में जो पकड़े गए हैं आरोपी उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको किसी गांव के व्यक्ति ने सूचित किया था कि वो गांव वहां पर मरी पड़ी है, उसको वहां से हटा लिया जाए। इस बारे में तस्दीक की गई तो जिस व्यक्ति के नाम वो बता रहे थे तो किसी व्यक्ति हर व्यक्ति ने उस बारे में इनकार किया कि ऐसी कोई सूचना किसी द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि उसकी ओर जाँच चल रही है। फिलहाल इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जाँच की कार्रवाई की जा रही है। अभी इन पर लाइसेंस भी है इन लोगों पर जो आरोपी पकड़े गए? जी हाँ, जो पकड़े गए इनका कहना है कि इनके पास मृत पशु उठाने का लाइसेंस है, लेकिन उसकी भी तस्दीक की जा रही है, जांच की जा रही है। उसमें क्या, जो भैंस मरी है उसका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सर, भीड़ तंत्र ने इतना मारा है कि इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं देखिए, ऐसा कि इस तरफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और अभी हम इसमें निवेशन जब आगे बढ़ेगी तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि इसमें किन परिस्थितियों में घटना हुई और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई। सर, ये लिंचिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है, मूव लिंचिंग? नहीं देखिए, इस बारे में तो अभी कहना कुछ वो होगा कि वो लिंचिंग की घटना हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, पर कई बार भीड़ जब ज़्यादा आक्रोशित हो जाती है तो इस तरह की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बाकी पुलिस व्यवस्था वहाँ दुरुस्त थी, ऐसी कोई बात नहीं।